मेरे पीछे जो ये रोड देख रहे हैं ये बना हुआ है नरेला विधानसभा के गांव टीकरी खुर्द में, और इसे बनाया है दिल्ली सरकार के सबसे करप्ट विभाग, जी हाँ फ्लड विभाग ने, और उसी फ्लड विभाग के डिवीजन 7 ने और उन्हीं अधिशासी अभियंता गगन कुरील ने, वो भी पूरे 1,91,70,260 रुपये के टेंडर की लागत से। और काम का नाम था रिस्टोरेशन ऑफ रोड फ्रॉम फिरनी रोड टू ओल्ड GT करनाल रोड एट विलेज टीकरी खुर्द इन डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ। जिसका मतलब है कि टीकरी खुर्द की गांव की फिरनी से लेकर पुराने GT करनाल रोड तक रोड को बनाना, उसका जीर्णोद्धार करना। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पीछे तो कोई रोड की तस्वीर ही नहीं है या कोई वीडियो ही नहीं है, या हम गलती से लगाना भूल तो नहीं गए। तो आपको बता दूं कि जब रोड ही नहीं है तो फोटो या वीडियो कहाँ से होगी। फ्लड विभाग की CD 7 और उसके ठेकेदार रोड बड़ा अच्छा बनाते हैं, वो भी कागजों में। असल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक योजना है, मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना। ये योजना बनी तो थी क्षेत्र के विकास के लिए, लेकिन नरेला के क्षेत्रीय विधायक और फ्लड विभाग दोनों इस योजना से अपने विकास में लग गए। CD 7 के अधिशासी अभियंता गगन कुरील ने एक टेंडर लगाया नरेला विधानसभा के गांव टीकरी खुर्द की फिरनी से लेकर GT करनाल रोड तक, वो भी मार्च 2023 में, वो भी पूरे 1,91,70,260 रुपये का टेंडर। उसके बाद टेंडर को उठाया किसी बाबा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, वो भी मात्र 94,14,476 रुपये में, यानी कि टेंडर से 51% कम में। और काम शुरू करने की तारीख थी 21 मई 2023 और काम पूरा होने की तारीख थी 20 अक्टूबर 2023 और आज तारीख है 26 अक्टूबर 2023। जनता की आवाज़ के पास मौजूदा सबूतों के मुताबिक, स्क्रीन पर देखिए, ये बिल इसी रोड के कार्य का है जिसके ऊपर कार्य का नाम लिखा हुआ है और नीचे डिटेल भी दी गई है कि क्या काम हुआ, कैसे कैसे हुआ और कितने रुपए का हुआ। और यह कोई पूरा बिल नहीं है, अभी तो सिर्फ पहला रनिंग बिल है, वो भी पूरे 1,13,45,000 रुपये का। जी हाँ 1,13,45,341 रुपये, यानी कि टेंडर से लगभग 18% ज़्यादा का बिल, वो भी पहला बिल। और काम अभी बाकी है, या यूं कहें CD 7 और उसके अधिकारियों की पार्टी अभी बाकी है, जबकि सड़क पर कोई काम हुआ ही नहीं है। और इस बिल में से 50 लाख की पेमेंट फलक विभाग द्वारा 31 जुलाई 2023 को कर दी गई थी और बची हुई पेमेंट 38,63,200 रुपये 11 सितंबर 2023 को भी कर दी गई थी। और जैसा कि मैंने कहा कि ठेकेदार की पार्टी अभी बाकी है और अधिकारियों की भी बाकी है, क्योंकि जिस ठेकेदार को काम करने का जिम्मा दिया था उन्होंने ठेका पाने के लिए तय खर्च से 51% कम में काम करने का दावा किया था। यानी मकसद पहले से ही साफ था कि काम वास्तव में करना ही नहीं है और सिर्फ बिलों का भुगतान ठेकेदारों को होना है, और सिर्फ भुगतान ही नहीं टेंडर अमाउंट से भी ज़्यादा का भुगतान हो रहा है, वो भी लगभग 18% ज़्यादा। और बाकी फाइनल बिल में क्या होगा वो समय बताएगा। जब इस मामले में संबंधित अधिशासी अभियंता से बात की गई तो उन्होंने हर बात पर अनभिज्ञता जताई, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो, जबकि बिल पास करने पर उन्हीं के साइन है, मोहर भी उन्हीं की है। उन्होंने कहा संबंधित अधिकारियों से बात करने के बाद ही कुछ कह सकते हैं, आप जेई से बात कर लीजिए, वही जेई जो एक टेम्परेरी वर्कर है और डिवीजन से तबादला भी हो चुका है। लेकिन हमें बताया गया कि काम फिरनी शुरू करके टीकरी गाँव के अंदर किया गया है, वो भी लगभग 200 मीटर के टुकड़े का, ना कि फिरनी से लेकर GT रोड का। फिर हमने उस जगह पर जाकर बताए गए लगभग 200 या 250 मीटर का जो भी रोड का टुकड़ा था उसका जायजा लिया, जहां विभाग का कहना है कि थोड़ा सा काम हमने किया है। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं और बिल्कुल साथ साथ देख सकते हैं कि पहले ठेकेदार ने नालियों की सफाई की, मलबा निकाला, उसके बाद टूटी हुई नालियों की ईंटों से मरम्मत का पूरा काम किया, वो भी कागजों में। इसके बाद इन्हीं नालियों का 1 सेंटीमीटर मोटा प्लस्तर भी किया, ये भी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिल कह रहा है। और उसके बाद नालियों के ऊपर बनी हुई गलियों की जो भी छोटी छोटी पुलियाँ होती हैं वो भी बनाई, जबकि गांव वालों के मुताबिक पूरे रोड और नालियों में एक भी ईंट नहीं लगाई गई है, और जो भी थोड़ा बहुत काम किया गया है उसकी मोटाई भी 2 इंच से ज़्यादा नहीं है। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रोड की क्वालिटी माशाल्लाह है और अभी इसे टूट भी गया। अब सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि नियम अनुसार ये टेंडर लग ही नहीं सकता था, क्योंकि इसी रोड के लिए, इसी काम के लिए 27/12/2018 को DBDB स्कीम के तहत इसी फ्लड विभाग की इसी डिवीज़न ने 64 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर जारी किया था
जी हाँ, 64 लाख रुपए का टेंडर जारी किया और उसका वर्क ऑर्डर भी जारी किया और काम पूरा होने का समय था 16 अप्रैल 2019। इस काम की क्वालिटी की शिकायतें गाँव वासियों ने फ्लड विभाग से लेकर दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों तक कर रखी है। कॉपी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन रोड आज तक सही से नहीं बना, लोगों का गिरना पड़ना आज भी बदस्तूर जारी है। अपने चहेते ठेकेदारों और खुद की जेब भरने की नीयत से फ्लड विभाग के सीरीज 7 के अधिकारियों ने मनमाफिक तरीके से लाखों रुपए के बिल पास कर दिए और काम कोई हुआ ही नहीं। बिना काम के फर्जी बिल लगाकर ठेकेदार को भुगतान किया गया और फ्लड विभाग के सीरीज 7 डिवीजन के सभी अधिकारी ऊपर से लेके नीचे तक सबके सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। केजरीवाल सरकार विकास के लाख दावे कर रही हो, पैसे बचाने का दिखावा करती हो, लेकिन फ्लड विभाग सीडी 7 डिवीजन और इसके अधिशासी अभियंता विकास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करके करोड़ों रुपए की हेरा फेरी कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि अगर सरकार के द्वारा दिए गए रुपयों का अगर सही से उपयोग किया जाता तो महज 10 सालों के अंदर नाली, गली, नाला, सड़क जैसी सभी जो बेसिक जरूरतें होती हैं वो लोगों की पूरी हो सकती थी। लेकिन फ्लड विभाग के अधिकारियों की जेबों में 70% रुपयों का बंदर बांट कर लिया जाता है। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कागजों पर विकास की खोखली तरक्की करने वाले फ्लड विभाग के सीडी 7 डिवीजन के अधिकारियों और इसके अधिशासी अभियंता पर प्रशासन कब और क्या कार्रवाई करता है, ये तो वक्त ही बताएगा। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। नमस्कार।